नमस्ते, राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायो वर्स, द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने 4 यूनिट आपके पूरे कवर कर लिए हैं। अब जो 5th, 6th और 7th यूनिट है आपकी, अगर उसकी बात की जाए, दैट इज़ 5th यूनिट, 6th यूनिट और 7th यूनिट, इसमें आपको टोटली चीज़ें पढ़नी है जेनेटिक्स के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करेंगे कुछ फंडामेंटल टर्म्स होते हैं जेनेटिक्स के, जो बार बार आएंगे, जैसे जीन, एलील, क्रोमोसोम, जीनोटाइप, फिनोटाइप और होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, लोकस, ये सारी चीज़ें बार बार आएंगी। ठीक, तो आज हम कुछ इनके बारे में जानेंगे कि ये जो टर्म होते हैं, इन टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि आपका वो टर्म है जेनेटिक्स के टर्म जो हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जेनेटिक्स के टर्म की बात की जाए और क्या होते हैं, तो उनको हम पहले जानेंगे, फिर हम मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेंडल के जो लॉज दिए उसमें कुछ कमियां थी, उन्होंने सारी चीज़ें जो बताई वो सही नहीं थी, फिर उसके कुछ क्या आए, डेरिवेटिव्स आए, जिनमें आप कंप्लीट, इनकम्प्लीट, डोमिनेंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में, हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जेनेटिक्स की बात की जाए, तो सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात की जाए, जेनेटिक्स का मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ, अगर बात की जाए जीन, जेनेटिक मटेरियल, स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक मटेरियल, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, कैसे मदर फादर के कैरेक्टर बच्चों में जाते हैं, जेनेटिक्स में आप बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात की जाए तो उनको ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और मेंडल को आप सभी जानते हैं कि इनकी कितनी ज़्यादा वर्क है इस चीज़ पे। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डेली वीडियोस की अपडेट चाहिए और क्विज़ वगैरह मैं कराती हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अगर देखा जाए तो सबसे पहले वर्ड हम जानेंगे जीन। जीन को समझने से पहले आप समझिए कि अगर ये आपका सेल है, ठीक है, सेल, सेल में क्या पाया जाता है, सेल में पाया जाता है न्यूक्लियस और कई सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसमें होते हैं आपके क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम मिलकर बना होता है किससे, आपका क्रोमोसोम मिलकर बना होता है जीन से। ठीक है, ये क्रोमोसोम में डीएनए पाए जाते हैं इस तरीके से, ये क्रोमोसोम हो गया इस तरीके से ओपन होकर, इसमें हिस्टोन प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं, और इधर इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं जीन, और इसी जीन में क्या पाए जाते हैं हमारे डीएनए पाए जाते हैं। अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो क्रोमोसोम में यहाँ पे क्या पाया जाएगा, जीन, जीन में ही फिर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो जीन की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट्स। ठीक है, जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी, हेरिडिटी जो हम पढ़ते हैं, तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है कि किसी कैरेक्टर का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। और ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, पेरेंट से बच्चों में जाता है, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। उसमें जो जीन है वो क्या है, डीएनए है, ये आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में यहाँ पे ये जीन, जीन में डीएनए, डीएनए जो है कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट, और इसमें ये जो जीन है डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं, ट्रेट्स पाए जाते हैं, निर्देश पाए जाते हैं। ट्रेट का मतलब होता है निर्देश, इस जीन में पाया जाता है। अब आता है आपका दूसरा चीज एलील। एलील क्या होता है, बार बार आप एलील सुनेंगे, तो डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन दैट कैन एग्जिस्ट एट स्पेसिफिक लोकस, यानी कि पोजीशन, लोकस का मतलब पोजीशन, यानी ऑन क्रोमोसोम। डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन, यानी कि मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक, और इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ये स्पेसिफिक लोकस है, यहाँ पे पाया जा रहा है जीन, और इस जीन पे क्या हो, जीन क्या हो, डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन दैट कैन एग्जिस्ट एट डिफरेंट लोकस, उनको क्या, पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, यहाँ पे भी पाया जाए, यहाँ पे पाया जाए, तो इनको क्या कहा जाएगा, लोकस। बल्कि आप कह सकते थे ये कोई जीन है तो इसकी ये म्यूटेंट कॉपी, ये क्या कहलाती है, ये एलील कहलाती है। अगर ये कोई जीन है तो इसकी म्यूटेंट कॉपी क्या कहलाती है, एलील कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए
द जीन फॉर फ्लावर कलर माइट हैव एलील्स फॉर रेड और वाइट। जैसे आपकी कोई फ्लावर का कलर देखेंगे तो उसके लिए कौन कौन सा एलील हो सकता है, या तो वो रेड कलर का फ्लावर हो सकता है या वो वाइट कलर का फ्लावर हो सकता है, और वो स्पेसिफिक लोकस, लोकस का मतलब होता है पोजिशन पर पाया जाएगा। बात करें क्रोमोसोम की, एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल जो एसोसिएटेड होता है जिसमें कि आपका हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, लिंकर डीएनए पाया जाता है और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि इतना सारा डीएनए मिलके इस तरीके से, अगर आप क्रोमोसोम की ऐसे बात करेंगे तो इसके अंदर ये डीएनए ही भरा होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज। और ये कॉम्पैक्शन होता है, आप सब ने क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन जरूर पढ़ा है इसके पहले, तो वो किससे मिलकर बना होता है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, लिंकर डीएनए, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लियोसोम्स, ये आपका होता है न्यूक्लियोसोम्स, ऐसे इसके अराउंड पे डीएनए ऐसे रैप करता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ये फॉर्मेशन होता है, सोलिनॉयड मॉडल, जिगजैग मॉडल आप सबने पढ़ा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। अब डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए है आपका मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ये रहा आपका अगर क्रोमोसोम, अच्छा नहीं बना है, ये रहा आपका क्रोमोसोम, इस लोकस पे जीन, इस जीन में डीएनए, और यही डीएनए इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड में आपका सुगर फॉस्फेट की बैकबोन और बेस पेयर पाए जाते हैं, ये सारी बातें आप जानते हैं। फिर कुछ टर्म आप देखेंगे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, वहाँ पे आप जीनोटाइप रेशियो पढ़ेंगे, फिनोटाइप रेशियो पढ़ेंगे, तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप, रिफरिंग द स्पेसिफिक एलील्स इट हैज़ फॉर अ जीन और सेट ऑफ जीन। ये क्या होता है, जेनेटिक मेकअप कैसा है उस ऑर्गेनिज्म में, अगर कोई ये, अगर ये मान लीजिए उसके कलर, कलर वाइट है, तो वो किसी जीन की वजह से होगा, ठीक है, स्पेसिफिक एलील की वजह से होगा, इट हैज़ फॉर जीन और सेट ऑफ जीन, ठीक है, क्या होगा, रिफरिंग टू ए स्पेसिफिक एलील इट हैज़ फॉर अ जीन और सेट ऑफ जीन, एक जीन के पास क्या होता है, एलील्स होते हैं, उसके लिए क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा। जीनोटाइप मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या होता है, दोनों क्या होती हैं, कैरेक्टर्स ही होती हैं, लेकिन ये जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में बताता है और फिनोटाइप बाहर के कैरेक्टर को ऑब्जर्व। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जब प्लांट्स का क्रॉस कराया जाता है वाइट का रेड के साथ, तो आपको रेड मिलेगा, वाइट मिलेगा और पिंक मिलेगा, मैं जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो इन कैरेक्टर को आप देख के बता सकते हैं कि हमें कौन कौन से फ्लावर मिल रहे हैं, और इसको हम कहते हैं फिनोटिपिक फिनोटाइप कहते हैं। और वहीं कुछ जेनेटिक रेशियो आप मिलेंगे कि 9 फ्लावर रेड कलर के हैं, 3 फ्लावर वाइट हैं, और मतलब सॉरी ऐसे नहीं, एक फ्लावर क्या है उसके अंदर दूसरा जीन है, दूसरा 2 फ्लावर अलग हैं, और इस रेशियो को आप निकालेंगे, लेकिन अब उसके जब उसके जीन के लेवल पे आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जिसको आप देख सकते हैं, और जीनोटिपिक रेशियो को आप ऐसे देख नहीं सकते हैं सामने से, उसको आपको निकालना पड़ता है। तो फिनोटिपिक क्या है, ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स, जो ऑब्जर्वेबल निर्देश हैं, कैरेक्टर हैं, जैसे कि आप जिस चीज़ को देख, किसी की हाइट लंबी है छोटी है, ये चीज़ आप देख सकते हैं, लेकिन उसका उसका डीएनए कैसा है, उसका डीएनए कैसा है, ये आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन द इंटरेक्शन ऑफ इट्स जीनोटाइप विथ एनवायरनमेंट, जीनोटाइप से इंटरेक्ट करता है। फिर एक टर्म आएगा भी होमोजाइगस, होमो का कहीं भी मतलब आए तो पूरे बायोलॉजी में मतलब होता है सिमिलर। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलर होगा, तो आप क्या करेंगे, हैविंग टू आइडेंटिकल एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर जीन, ये कोई जीन है, इसके लिए मान लीजिए ये वाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए पर्टिकुलर्स एलील होंगे, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, स्मॉल ए, स्मॉल ए से। अगर ये इस फॉर्म में पाया जाएगा तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट, और ये सारे टर्म हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, और इस फॉर्म में पाया जाएगा तो इसको हम कहेंगे रिसेसिव, ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। होमोजाइगस क्या हो गए, जब आइडेंटिकल एलील्स किसी जीन के लिए हो, आइडेंटिकल मतलब ये भी सेम, ये भी ए कैपिटल ए आइडेंटिकल है, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मतलब दोनों की शक्ल सूरत सब कुछ सेम रहेगी, उसी तरीके से आप देख सकते हैं। हेटरोजाइगस में क्या होता है, हैविंग टू डिफरेंट एलील फॉर ए पर्टिकुलर जीन, एक ही जीन के लिए दो डिफरेंट एलील होगा, जिसको आप देख सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसको हम कहते हैं हेटरोजाइगस, क्योंकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट जाइगोट, जाइगस का मतलब डिफरेंट जाइगोट, एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट को, ये रिसेसिव को, लेकिन अल्टीमेटली ये डोमिनेंट यानी कि लार्ज कैरेक्टर ही प्रेजेंट करेगा, ठीक, ये सब आप समझेंगे, लेकिन अभी टर्म समझिए।
ये आपको समझ में आ गया, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के मैंने बारे में बता दिया। डोमिनेंट एलील क्या होता है, मास्क दैट इफेक्ट ऑफ रिसेसिव एलील इन हेटरोजाइगस जीनोटाइप, फॉर एग्जांपल ए इज डोमिनेंट देन फिनोटाइप एसोसिएटेड विद कैपिटल ए और स्मॉल ए, कभी भी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए रहेगा तो ये हमेशा डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। और डोमिनेंट का मतलब होता है कि अगर यहाँ स्मॉल ए है भी तो भी ये इस कैरेक्टर को दबा देगा, सप्रेस कर देगा और ए वाला कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट, अगर ए वाइट है तो ये वाला फ्लावर जो है वाइट ही होगा, स्मॉल ए का कैरेक्टर ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। रेसेसिव एलील का मतलब क्या होता है, ए एलील हूज इफेक्ट इज मास्क्ड बाय डोमिनेंट एलील इन हेटरोजाइगस जीनोटाइप द ट्रेट एसोसिएटेड विद रिसेसिव एलील ओनली अपीयर्स व्हेन इंडिविजुअल हैज टू सक्सेसिव एलील। ये जो है अगर एक आपका एक हेट्रो अगर एक डोमिनेंट वाला है एक रेसेसिव वाला है तो हमेशा ये डोमिनेंट वाला ही रिप्रेजेंट करेगा। रेसेसिव एलील तभी आएगा जब दोनों क्या हों रिसेसिव कैरेक्टर हों। ठीक, यही बात बोली गई। म्यूटेशन, म्यूटेशन भी आप देखेंगे जेनेटिक्स में आता है, तो ए चेंज इन डीएनए सीक्वेंस दैट कैन लीड टू वेरिएशन इन जीन म्यूटेशन कैन बी बेनिफिशियल न्यूट्रल हार्मफुल। किसी भी जीन में मान लीजिए यहाँ पे ए जी सी ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन था, जैसे आप पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है पॉइंट म्यूटेशन, वहाँ पे एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामीन, उसको एक अमीनो एसिड कोड करता है ऐसे। ठीक, क्या होता है जब आपको सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, ये ग्लूटामिन वेलिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ग्लूटामिन वेलिन में चेंज हो जाता है और इसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन क्या हो गया आपके लिए, हार्मफुल, क्योंकि आपका नॉर्मल ब्लड से सिकल सेल का ब्लड बन गया और आपको सांस लेने में और सब बहुत सारी दिक्कत होती है। कभी कभी ये बेनिफिशियल भी हो सकता है म्यूटेशन और कभी कभी न्यूट्रल रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो म्यूटेशन को कभी भी आप इस तरह मत सोचिए कि वो आपके लिए नुकसानदायक ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, हार्मफुल भी सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे लिंकेज में और बायोटेक्नोलॉजी में तो आप पढ़ते ही हैं। लिंकेज में क्या होता है, दो जीन एक दूसरे से लिंक करके एक रिकॉम्बिनेंट जीन बनाती हैं। तो यहां पे क्या होता है, एक्सचेंज बाय प्रोसेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीडिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग विद कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट डिफरेंट फ्रॉम इदर पेरेंट्स। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है, क्योंकि जब मान लीजिए ये कोई फादर का कैरेक्टर था, ये मदर का कैरेक्टर था, जब ये रिकॉम्बिनेंट होंगे एक दूसरे से, मान लीजिए इस तरीके से कंबाइन हुए, तो कुछ मदर का कैरेक्टर कुछ फादर का कैरेक्टर दोनों का आया और एक नए तरीके का जीन आपको कैरेक्टर मिलेगा। इस वजह से रिकॉम्बिनेशन जरूरी है और रिकॉम्बिनेशन आप लिंकेज में देखेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या होता है, इनहेरिट करना, किसी चीज़ को पास करना, तो इनहेरिट का मतलब ये होता है पास करना, इनहेरिट करना। जेनेटिक ट्रेट को पास किया जाता है पेरेंट से बच्चों में, बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ। पुनेट स्क्वायर एक नाम सुनेंगे, चेकर बोर्ड सुनेंगे, जो इस तरीके का चेकर बोर्ड आप बनाते हैं जिसमें आप ऐसा करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आप कैरेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर लिखेंगे, यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर, इस तरीके से एक चेकर बोर्ड बनाएंगे जिससे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस निकालते हैं। ये बेसिकली एक डायग्राम है जो कि प्रिडिक्ट करता है आउटकम ऑफ पर्टिकुलर जेनेटिक क्रॉस। जब आप दो जीन के बीच में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू के बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो रिजल्ट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर, और इसकी डिस्कवरी पुनेट ने की थी। मैं एक एक टर्म आपको बता दे रही हूँ। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है, मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में बताया। इनहेरिटेंस का तो मतलब आपको समझ में आ गया, लेकिन मेंडल ने, आपने मेंडल के तीन लॉज पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवर किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट के बारे में, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के बारे में बताया था, जो कि आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। जीन लोकस, ये भी नाम सुनेंगे, अभी आपने लोकस देखा था ऊपर, तो लोकस का मतलब क्या होता है, ए लोकस इज अ रीजन ऑन क्रोमोसोम दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल जीन। एक जैसे लोकस सिंगल जीन को, जैसे आप यहाँ पे है, ये सिंगल जीन को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ डबल, मान लीजिए ये दो अलील हैं, ये कैपिटल ए है स्मॉल ए है, इसको आप क्या कहेंगे, लोकस सिंगल जीन को रिप्रेजेंट करेगा। जीनोम क्या होता है, टोटल सेट ऑफ जीन इन द हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉयड सेट का मतलब होता है, अगर 46 है तो इसको आप क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कहेंगे। 23 पेयर को आप क्या कहेंगे, डिप्लॉयड, और सिर्फ 23 है, सिर्फ 23, इसको आप कहेंगे हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। टोटल सेट ऑफ जीन्स इन हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इस हैप्लॉयड सेट में कितने जीन हैं, इसको हम कहते हैं जीनोम। जीन पूल क्या होता है,
ऑल जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन, कितने जीनोटाइप है किसी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में, दैट इज जीन पूल. प्योर लाइन, आप अभी प्योर लाइन पढ़ेंगे. जनरेशन ऑफ होमोजाइगस दैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ ओनली वन टाइप, केवल एक टाइप का ऑफस्प्रिंग. अगर कोई ऐसा ऑफस्प्रिंग है वो सेम ऐसा ही ऑफस्प्रिंग, एक टाइप का ही ऑफस्प्रिंग पैदा करा, तो उसको हम कहते हैं प्योर लाइन. ठीक, प्योर लाइन. और एक होता है हाइब्रिड. प्योर लाइन जैसे हम सब क्या हैं, हम लोग प्योर लाइन हैं, हम लोग ह्यूमन ही बन रहे हैं. और अगर वहीं हाइब्रिड की बात की जाए, हाइब्रिड विगर आप पढ़ेंगे, तो हाइब्रिड विगर में क्या होता है, हाइब्रिड की अगर मैं सिर्फ बात करूं, हाइब्रिड भी मैं आपको बता देती हूं यहां पे, ये मैंने यहां नहीं नोट किया लेकिन आप नोट कर लीजिए. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब आप डिफरेंट वेराइटी को क्रॉस कराएं. जैसे आपने किसको क्रॉस कराया, डंकी को, डंकी फीमेल और हॉर्स, क्रॉस विथ हॉर्स फीमेल, आपको क्या मिल गया, म्यूल. इसको हम कहते हैं हाइब्रिड क्रॉस. यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट ऑफस्प्रिंग मिलेगा और इसी कैरेक्टर को कह देंगे हम हाइब्रिड विगर. हाइब्रिड विगर क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी भी आप हाइब्रिड बनाएंगे तो वो पहली बात स्टराइल होगा, ये म्यूल कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, स्टराइल होगा. आपने लाइगर यानी कि लायन और टाइगर को मिला के सुना होगा, और हेनी के बारे में सुना होगा. ये सब क्या हैं, हाइब्रिड क्रॉस हैं. हाइब्रिड विगर का मतलब होता है, ये पहली बात इसका कैरेक्टर क्या है कि स्टराइल होगा और स्ट्रेंथ इसके पास बहुत ज़्यादा होगी कंपैरिजन में किसके, डंकी और हॉर्स के कंपैरिजन में. तो होपफुली आपको हाइब्रिड समझ में आ गया होगा, प्योर लाइन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, हाइब्रिड विगर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ सबसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अब टॉपिक्स को आप याद रखिएगा. तो सारे टर्म आपको समझ में आ गए होंगे. एक टॉपिक है टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, इसको हम अभी मेंडल के बाद पढ़ेंगे. अब हम पढ़ेंगे मेंडलिज्म के बारे में. व्हाट इज मेंडलिज्म, मेंडल कौन थे, जो मेंडल की कॉन्ट्रीब्यूशन थी, जो मेंडल ने योगदान दिया उसी को हम कहते हैं मेंडलिज्म. ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है. ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, फादर ऑफ, इनको जेनेटिक्स कहा जाता है. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपसे पूछ सकता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है. ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के एक पीजेंट फैमिली यानी किसान की फैमिली में, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया मत पढ़िएगा इसको, ऑस्ट्रिया, 1822 में ये बॉर्न हुए थे, 1884 में इनका डेथ हो गया था. ठीक, इन्होंने मटर यानी कि पी प्लांट पे, किस पे, पी प्लांट पे अपना वर्क किया था. बेसिकली ये ऑस्ट्रिया में एज अ प्रीस्ट काम, टीचर काम करते थे या प्रीस्ट काम करते थे. तो उनको, उन्होंने एक अपना सोचा कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा उनको कैरेक्टर दिखा होगा कि पी प्लांट पे इन्होंने अपनी खोज की. ठीक है, हिज वर्क कंटेन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर 22 वैराइटीज ऑफ गार्डन पी पे इन्होंने काम किया था. इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया था 1866 से लेकर 1867 में, प्रोसीडिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में इन्होंने 1866 से 1867 के बीच में अपना पेपर पब्लिश किया, और इन्होंने 22 वैराइटीज ऑफ गार्डन पी पे काम किया था. ठीक है, मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे कि जिनको एक तरीके से आप अनलकी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, इनको फेम मिलना था, फेम मिलना था लेकिन इनकी डेथ के बाद. फेम तो इनको मिलना था लेकिन आफ्टर डेथ, ऐसा क्यों, अभी आप देखेंगे. जो मेंडल साइंटिस्ट थे, इनका जो डिस्कवरी इन्होंने किया, ये देखिए मेंडल जी के बारे में, ये इनकी ग्रेगर जॉन मेंडल का, तो ये तो वैसा है, ये हैं, और इन्होंने अभी अपने उन चीज़ों के बारे में ही बताया है. ठीक है, जिस पे इन्होंने काम किया, रेसेसिव वंस आल्सो अपीयर, उसी पे काम किया है. जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ना, इन्होंने अपना वर्क किया था 1867 के आसपास, इधर 1884 के इधर 67 के आसपास, लेकिन इनका जो काम था वो अननोटिस्ड था 33 ईयर तक. उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये काम कर रहे थे, उसी टाइम पे काम कर रहे थे डार्विन. अब आप सबको पता है डार्विन के बारे में, किसने नहीं सुना. डार्विन अपनी इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन की थियरी के लिए, बिहेवियर थियरी के लिए कितने ज़्यादा फेमस थे, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिस वजह से किसी का ध्यान मेंडल के काम पर नहीं गया. इस वजह से 33 ईयर तक इनका काम क्या हुआ, नहीं देखा गया. उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ के 33 ईयर बाद तीन साइंटिस्ट आए 1900 में, जिनका नाम था कार्ल कोरेंस, डी व्रीज एंड सेरमाक. इन तीनों ने मिलकर इनकी खोज को अलग अलग कंट्रीज में खोजा, और इन्होंने देखा कि सेम रिजल्ट मिला जो मेंडल साहब दे के दे गए थे, जो उन्होंने बता दिया था.
फिर इन्होंने क्या किया कि ये पूरा क्रेडिट इन्होंने मेंडल को दे दिया कि ये जो वर्क है जो हमने आज खोजा है, मेंडल इसको 33 ईयर तक पहले ही खोज चुके थे। तो 33 ईयर तक इनका काम अप्रिसिएटेड ही नहीं था, उसको पहचाना ही नहीं गया। जब 3 साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस, डीवरीज और सेरमाक ने अलग, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल की थियोरी किसने की थी, तो कार्ल कोरेंस, डीवरीज और सेरमाक ने की थी। तो इन्होंने पूरा क्रेडिट मेंडल को दिया कि नहीं, ये जो वर्क हम आज देख रहे हैं इंडिपेंडेंटली, इन तीनों साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्रीज में इसको देखा और देखा कि ये सेम रिजल्ट मिल रहा है जो मेंडल ने दिया था। अब मेंडल की थियोरी के कैरेक्टर, मेंडल की थियोरी फेल क्यों हुई, क्यों, क्या कैरेक्टर सेलेक्ट किए, ये सब हम देखेंगे क्योंकि सारे इसके जरूरी पार्ट हैं। अब मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उन्होंने 7 स्पेसिफिक ट्रेट, ठीक है, 7 विशिष्ट लक्षणों को लिया था। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, एक तरीके से आप कह सकते हैं लक्षण। अब वो 7 कैरेक्टर क्या थे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन, और प्लांट की हाइट इन्होंने ली थी, ठीक है। आप चाहें तो इसको FPS का होल स्क्वायर से याद कर सकते हैं, ठीक है। सीड का शेप लिया था और वो सीड का शेप था राउंड, राउंड को डोमिनेंट माना गया था और रिंकल्ड को रिसेसिव था। ये कैरेक्टर अपना ज़्यादा दिखा रहा था, रिंकल कम दिखा रहा था। सीड का कलर येलो और ग्रीन लिया गया था, येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था। पॉड का शेप इनफ्लैटेंड मतलब चपटा टाइप का और कॉन्स्ट्रिक्टेड झुर्रीदार लिया गया था, ठीक। तो अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी। ये डोमिनेंट था इनफ्लैटेंट और ये रिसेसिव था, ये कब कैरेक्टर शो कर रहा था। पॉड का कलर ग्रीन और येलो था, ग्रीन डोमिनेंट था, येलो रिसेसिव था। फ्लावर कलर की अगर मैं बात करूँ तो फ्लावर कलर पर्पल था और वाइट था। पर्पल की अगर बात की जाए डोमिनेंट था और रिसेसिव था, मैंने लिख दिया है। फ्लावर के पोजीशन की बात करें तो एक्सियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन फ्लावर का लिया गया था। और प्लांट की हाइट डोमिनेंट, टॉल और शॉर्ट रिसेसिव था। टॉल और डॉर्फ लिया गया था, शॉर्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, डॉर्फ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इनके अगर मैं डायग्राम को आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के कैरेक्टर लिए गए थे। डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे ऊपर दिखाया गया, रेसेसिव नीचे दिखाया गया। फ्लावर कलर की बात की जाए तो पर्पल डोमिनेंट था, वाइट रेसेसिव था। सीड शेप की बात की जाए तो सीड राउंडेड था और रिंकल था। सीड कलर की बात की जाए तो येलो और ग्रीन था, ग्रीन इसमें रेसेसिव था। सीड कलर की बात की जा रही, आप पॉड मत देखिएगा, पॉड कलर ग्रीन वाला डोमिनेंट था। जो हम खाते हैं मटर वो ग्रीन होता है, ठीक। और यहाँ स्वीट पी मतलब जो नॉर्मल मटर पी हम खाते हैं, येलो था, येलो वाला रिसेसिव था। पॉड के शेप की बात की जाए तो इनफ्लैटेंट वाला जो हम नॉर्मली खाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला इस तरीके का जो होता है वो कम होता है, ठीक। प्लांट की हाइट की बात की जाए तो टाल और डॉर्फ लिया गया था। पोजीशन की बात की जाए तो इस तरीके से एक्सियल था एक्सिस पे और यहाँ पे टर्मिनल। एक्सियल एक्सिस का मतलब होता है यहाँ एक्स इस तरीके से, इस तरीके से, और टर्मिनल मतलब यहाँ ऊपर ऐसे पाया जाए फ्लावर, ठीक। मेंडल के सक्सेस, इस प्लांट में इतना सक्सेस क्यों मिला इनको, रीज़न क्या था। कुछ कैरेक्टर होते हैं हर, जैसे मान लीजिए आगे आप जाके साइंटिस्ट बनने वाले हैं तो आप किसी ऐसी चीज़ को चूज़ कर रही हैं जो ईजिली अवेलेबल होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ईजिली अवेलेबल था प्लांट का, प्लांट पी का, ठीक है। नॉर्मली इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जा रहा था। नंबर ऑफ क्लियर कट, इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब अलग अलग, कंट्रास्टिंग का मतलब होता है विपरीत कैरेक्टर का पाया जाना, टॉल डॉर्फ, ठीक है, वाइट ग्रीन, वाइट पर्पल, समझ रहे, फ्लावर का कलर, पॉड का, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट पाया जा रहा था। हाइब्रिड ऑफ गार्बन, जो गार्डन पी था वो परफेक्टली फर्टाइल था। क्रॉस पॉलिनेशन इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं था। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी इसमें कराया जा सकता था, ईजिली अवेलेबल था। लाइफ स्पैन इसका 6 मंथ का था, ठीक। कई सारे कैरेक्टर थे जिसकी वजह से इतना सक्सेस हुआ। अब हम बात करेंगे मेंडल के लॉ की। तो मेंडल ने 3 लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कभी कभी 4 भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली हम 3 ही पढ़ते हैं, ठीक है। 4 भी किसी किसी केस में कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपको 3 का ऑप्शन नहीं दिया है, 4, 5, 6 का ऑप्शन दिया है तो आप 4 लगा के आएंगे, वहाँ गलत नहीं कहेंगे। एक लॉ उन्होंने, लॉ के हाइपोथेसिस पहले भी दी थी, ठीक। तो मेंडल का लॉ जो है या मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ये जो है 3 लॉ पे बेसिस है, जिसमें से 2 ही लॉ हैं, जिसमें से लॉ इनके, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, लॉ 2 ही हैं। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, जिसको लॉ तो कहा गया लेकिन ये बेसिकली इनका हाइपोथेसिस था, इसको इन्होंने प्रूफ नहीं किया था।
हाइपोथेसिस मतलब सोचना, परिकल्पना करना कि ऐसा हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ, और ये जो दो लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या जिसको लॉ ऑफ पैरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, क्यों कहते हैं भी आप समझेंगे, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये दोनों लॉज थे क्योंकि इसके इन्होंने बाकायदे क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट दिए थे. ठीक, तो ये इनकी हाइपोथेसिस थी, बाकी दो लॉज थे. ठीक, एक एक करके जानेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये तीन इनके थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट. आप चाहें तो इस एडिशनल मैंने दे दिया है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बताया गया है, और ये इनके तीनों लॉज के बारे में यहाँ पे एक स्लाइड में आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से कि किस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बताया था. एक एक करके हम जानेंगे. लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो इन हेट्रोजाइगस मान लीजिए टाइप है, अभी मैं इसका वो आपको दिखाऊंगी भी. हेट्रोजाइगस किसको कहा हमने, इसको हेट्रोजाइगस कहा था. डोमिनेंट जो एलील होगा जिसमें टॉल वाला डोमिनेंट है, मास्क एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव, ये रिसेसिव को आने ही नहीं देगा, ये टॉल को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा ये वाला टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि इसमें रिसेसिव एलील भी है, लेकिन इस तरीके का प्लांट जब भी बनेगा टॉल बनेगा. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. की पॉइंट क्या था इसमें, एन ऑर्गेनिज्म विथ एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील विल डिस्प्ले द डोमिनेंट ट्रेट. हमेशा अगर एक डोमिनेंट एलील है, एलील मैंने बताया क्या होता है, एलील आपको समझ में आ गया होगा, अल्टरनेटिव कैरेक्टर, अल्टरनेटिव ऑफ जीन. ठीक है, कह सकते हैं म्यूटेंट ऑफ जीन. तो जो टॉल वाला होगा ना, जो आपका डोमिनेंट वाला ट्रेट होगा, वही हमेशा आएगा. रिसेसिव तभी आएगा जब दोनों रिसेसिव हों. ठीक, यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम से ही आपको पता चला कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है. रिसेसिव तभी आएगा जब दोनों ट्रेट रिसेसिव होंगे, नहीं तो हमेशा या तो ये, अगर ये रहेगा तो भी डोमिनेंट, ये रहेगा तो भी डोमिनेंट. ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस का आई थिंक मैंने वो दिया नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई क्रॉस कराया, ये था कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस कराया आपने कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, पहला ट्रेट बना कैपिटल टी, दूसरा ट्रेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा ट्रेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा बना स्मॉल टी स्मॉल टी. इसमें से ये तीनों क्या होंगे, आपके टॉल को रिप्रेजेंट करेंगे. थ्री आपका टॉल को रिप्रेजेंट करेगा, एक बस आपको, जबकि इन दोनों में क्या है, इन दोनों में आपको कैरेक्टर दिख रहा है रिसेसिव वाला, रिसेसिव स्मॉल वाला रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर डोमिनेंस शो कर रहा है, ये इसके कैरेक्टर को आने ही नहीं दे रहा. ठीक, जैसे मान लीजिए आप लोग मिलकर प्रोजेक्ट में दो लोग काम करिए, लेकिन आपका जो एक पार्टनर है वो डोमिनेंस ही शो करे, और क्या करे कि जब आप रिप्रेजेंट करें तो वहाँ पे जाके वो रिप्रेजेंट आपका प्रेजेंटेशन दे दे और कहे कि नहीं ये काम मैंने किया है, और आप दब जाएं, आप अपना कैरेक्टर ना दिखा पाए. ठीक, मैं जस्ट एक एनालॉजी ले रही हूँ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. लॉ ऑफ डोमिनेंस का अभी आप, मैं यही बता देती हूँ, इसका डेविएशन भी है. डेविएशन मतलब कि ये बात मेंडल की गलत थी कि हमेशा क्या होगा कि डोमिनेंस शो करेगा. इसके दो डेविएशन है, दैट इज़ कंप्लीट डोमिनेंस भी होता है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है. ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी भी हैं. ये इसका डेविएशन था. ठीक है, मेंडल की ये बात गलत थी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा वर्क करता है, कंप्लीट डोमिनेंस भी होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है. आप देखेंगे, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा हम लोग, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए. दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ पैरिटी ऑफ गैमेट. इसका मतलब इस लॉ में ये बताया गया था कि इस लॉ के अकॉर्डिंग ईच ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड ऑफ बंडल ऑफ कैरेक्टर. हर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं. हर कैरेक्टर क्या होता है, पेयर ऑफ फैक्टर से. मान लीजिए अगर टॉल की बात कीजिए तो कैपिटल टी से लंबा, स्मॉल टी रिप्रेजेंट किया जाता है. जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ. ठीक, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, टू फैक्टर ऑफ कैरेक्टर, तो ये टॉल बनाएगा और ये स्मॉल बनाएगा. ये दोनों अलग अलग अपना कैरेक्टर दिखाएंगे, इसी वजह से इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मतलब टॉल है तो टॉल आ जाएगा, स्मॉल अगर स्मॉल का है तो वो स्मॉल आ जाएगा. मतलब एक दूसरे के साथ ही, मान लीजिए दो कैरेक्टर आप ले रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होंगे, ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं. एक वर्ड आता है ब्लेंडिंग नहीं शो करते, एक दूसरे के साथ ब्लेंडिंग नहीं शो करेंगे. इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. भले ही आप दो गैमेट ले रहे हैं, लेकिन ये अपना कैरेक्टर टॉल है तो टॉल का शो करेगा और स्मॉल है तो स्मॉल का शो करेगा. इसी वजह से इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं.
ये जो लॉ है आपके मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और एक बात और याद रखिएगा कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये जो फेज है ना, इसकी जो बिगिनिंग है मियोसिस माइटोसिस, आप सबने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बिगिनिंग जो है वो मियोसिस के बिफोर मियोसिस होती है। इस बात को आप लिख लीजिएगा, बिफोर मियोसिस होती है। लेकिन इसमें जो कैरेक्टर का अलग होना, जीन का अलग होना, ये सारी चीज़ें एनाफेज फर्स्ट में होती हैं। एनाफेज फर्स्ट आप सबको पता है मियोसिस होता है, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है आपका, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एनाफेज में ये प्रोसेस होता है जब सेग्रीगेट होते हैं, आप सबने वो देखा होगा इस तरीके से जीन क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं एनाफेज फर्स्ट में, ठीक, इस तरीके से जीन अलग होती हैं, ठीक, वहाँ पे क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, ये फेज एनाफेज में होता है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें से रिलेट करके बता रही हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी आगे भी जाके ना छूटे, ठीक। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे पी एफ वन एफ टू क्या होता है, पी का मतलब होता है पेरेंट, पेरेंटल पार्ट, मतलब आपने दो पेरेंट लिया, येलो पेरेंट था और ग्रीन पेरेंट था, उनको क्रॉस कराया, उसमें एफ वन जनरेशन बनता है। इस एफ वन को मैं मेंडल ने नाम दिया था फीलियल, फीलियल वन, और एफ टू को नाम दिया था फीलियल टू। आप इन सब के भी नाम नोट कर लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, मेंडल ने कभी भी जीन को जीन नहीं कहा था, इसीलिए उनकी थियरी फेल हो गई थी। उन्होंने बार बार इसको फैक्टर नाम दिया था। बाद में साइंटिस्ट आए स्टर्टिवेंट, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो जीन मेंडल कह रहे हैं ना, ये एक्चुअली फैक्टर, जो फैक्टर मेंडल कह रहे हैं वो जीन है। ये बात आप नोट करिएगा, कभी भी मेंडल ने जीन नाम नहीं लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मेंडल ने हमेशा जीन को फैक्टर कहा था, उन्होंने जीन की डिस्कवरी नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम पे उतना एडवांस माइक्रोस्कोप या उसकी नॉलेज नहीं थी। लेकिन उनको ये पता था कोई चीज़ है जो एक बच्चे से, एक मदर फादर से उसके बच्चे में जा रही है, इस बात को आप याद रखिएगा। और मैंने F1 P1 का आपको फॉर्म बता दिया। तो P1 जनरेशन में हमने क्या लिया, येलो कलर लिया और ग्रीन कलर लिया, ठीक है। ईच होमोजाइगस और होमोजाइगस लिया, मतलब कैपिटल Y, स्मॉल Y, स्मॉल Y हमने लिया, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, P1 जनरेशन को वन काइंड ऑफ गैमेट बन गया, इससे कैपिटल Y मिल गया और स्मॉल Y मिल गया। F1 जनरेशन हमें मिल गया हेट्रोजाइगस टाइप का, दो ऑफिसर बने, दो काइंड ऑफ गैमेट। और फिर से क्या हुआ, देखिए भले ही हमने दो कैरेक्टर लिया, यहाँ पे एक बना और अलग अलग कैरेक्टर इन्होंने शो किया, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गया, येलो वाला एक येलो का कैरेक्टर, ग्रीन वाला ग्रीन। और इस तरीके से F2 जनरेशन में हमने पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड बनाए, पुनेट स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया कि मतलब इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। F1 ऑफस्प्रिंग को फॉर्म्स F2 ऑफस्प्रिंग विथ 3:1 रेशियो का बना, तीन इसमें रेड बना, येलो बना, जो मैंने अभी आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस में दिखाया था, डोमिनेंसी की वजह से ये येलो कैरेक्टर शो कर रहे हैं क्योंकि एक एक जीन इसमें डोमिनेंट है। और यहाँ पे क्या बना आपका, रेसेसिव कैरेक्टर बना, ठीक। तो यही है कि यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो गए, आपने भले ही दो जीन को मिक्स किया ग्रीन को येलो के साथ, तो यहाँ पे आपको हल्का येलो, हल्का ग्रीन, ऐसा हल्का मतलब पेल येलो या पेल ग्रीन कलर का नहीं मिला, आपको एक डार्क कलर मिला जैसा वो था। तो यही होता लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेट हो जाना। देख रहे हैं आप, दो दो कैरेक्टर आपने लिए लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गए सारे कैरेक्टर, सेग्रीगेशन हो गया, अलग हो गए, इसी वजह से इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योर गैमेट आपको मिलेगा, ठीक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, पर्पस क्या होता है, स्टडी ऑफ सिंगल ट्रेट, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, आप यहाँ सिंगल ही तो ट्रेट को ले रहे हैं, आपने टॉल के साथ येलो के साथ ग्रीन को किया, सिंगल सिंगल ट्रेट है येलो येलो। अभी आप डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे तो आप दो चीज़ों को क्रॉस कराएंगे। एग्जांपल फ्लावर कलर इन पी प्लांट्स आपने देखा, पेरेंटल जनरेशन आपने पी जनरेशन जिसको कह रहे हैं क्रॉस कराया, मान लीजिए पर्पल को वाइट के साथ, कैपिटल पी को स्मॉल पी के साथ। फर्स्ट फीलियल जनरेशन आपको मिला, फीलियल यहाँ पे लिखा भी होगा एफ वन, सारे ऑफ स्प्री क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, कैपिटल पी स्मॉल पी, डोमिनेट रेट पर्पल रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड फीलियल जनरेशन में आपने देखा क्रॉस कराया एफ वन का, ठीक है, दोनों का क्रॉस कराया, रिजल्टिंग फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1 का रेशियो मिलेगा और जीनोटिपिक रेशियो आपको 1:1 का मिलेगा। तो यहाँ से आप याद रखिएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, वो उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है आप बाहर से देख पा रहे हैं, तो फिनोटिपिक रेशियो कितना हुआ, 3:1 का,
ठीक है, ये तीन कैरेक्टर, थ्री आपको येलो दिख रहा है और एक आपको पर्पल दिख रहा है, और जबकि जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1 का है। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, एक ट्रेट इस तरीके का है डोमिनेंट, कैपिटल पी कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो ट्रेट कैसे हैं जो कैपिटल पी स्मॉल पी, यानी कि हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, और फिर ये रिसेसिव होमो क्या है, होमोजाइगस, ठीक है। तो 1:2:1 का रेशियो, तो आपको अब जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिनोटाइप मतलब जो कलर आप देख पा रहे हैं उसके बेसिस पे 3:1 का रेशियो, क्योंकि तीन पीले और एक पिंक है। और वहीं अगर जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो एक डोमिनेंट ट्रेट लंबा है, कैपिटल ए कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, दो हेट्रोजाइगस ट्रेट क्या है, लंबे लंबे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक रिसेसिव ट्रेट है। थर्ड लॉ, अब इन्होंने जो ये इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का कैरेक्टर बताया था, इसके भी कई सारे क्या हैं, एक्सेप्शन है जिसको आप आगे पढ़ेंगे, ठीक। ऐसा नहीं था कि ये जो मेंडल ने कह दिया वो सही है, उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया नहीं लिंकेज वगैरह आप पढ़ेंगे तो लिंकेज में ऐसा नहीं होगा, आपको प्योर कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं होगा, वहाँ जीन का होगा रिकम्बाइन हो जाएगा तो वो नया कैरेक्टर बना देगा, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहाँ हुई, तो इसका डेविएशन क्या हो गया, इसका डेविएशन हो गया लिंकेज, क्या हो गया डेविएशन, क्या हो गया दैट इज लिंकेज। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की अगर बात की जाए हाइब्रिड क्रॉस पे, यहाँ हम दो कैरेक्टर, आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में तो समझ लिया कि एक कैरेक्टर को ले रहे हैं तभी वो प्योर प्योर गैमेट दे रहा है। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का मतलब था कि आपने द जीन्स फॉर ईच पेयर कैरेक्टर सेपरेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दोज, आप कितनी भी ले लीजिए, कैपिटल ए कैपिटल ए और कैपिटल टी ले लीजिए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल टी, आपने दो कैरेक्टर ले लिया, दो कैरेक्टर लिया, मान लीजिए ये वाइट और टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेड और डॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा स्मॉल को, दो कैरेक्टर लिया, फिर भी ये अलग अलग अपना शो करेंगे कैरेक्टर, इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होंगे ये कैरेक्टर कि ये इस पे डिपेंड कर जाए ये इस पे, नहीं, इंडिपेंडेंटली ये अपने कैरेक्टर को शो करेंगे, इसी वजह से इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। गैमिट फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस द फैक्टर, मान लीजिए येलो कलर अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द फैक्टर ऑफ फॉर राउंड शेप, अगर मान लीजिए आपने राउंड शेप के साथ येलो कलर लिया तो राउंड के साथ येलो कलर ही आएगा। द जीन वाई में कंबाइन विथ डोमिनेंट जीन आर और रिसेसिव आर ऑफ द अदर कैरेक्टर एंटर टू गैमिट, अभी आप इसको ऐसे समझिए, और ये एक बात याद रखिए ये भी क्या होता है एनाफेज फर्स्ट में चलने वाला प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें एनाफेज फर्स्ट से ही आप देख पाएंगे। तो आपने मान लीजिए दो कैरेक्टर ले लिया, अब वो दो कैरेक्टर थे आपने कैपिटल ए कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, जो कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाला था वो मान लीजिए राउंड और ग्रीन को रिप्रेजेंट, राउंड और येलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये रिंकल्ड और ग्रीन को, झुर्रीदार और ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब इसका आप क्रॉस कराएंगे तो चारों कैरेक्टर आएंगे, पहले आप इन दोनों का कराएंगे तो हमको मिल जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक, और जब इसका आप क्रॉस कराएंगे तो हमें कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर, कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई के साथ कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर, चार कैरेक्टर आपको मिल गए। एफ टू जनरेशन में आप क्या करेंगे, इन चारों का क्रॉस कराएंगे और इस तरीके से आपको यहाँ पे इस पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड में आपको 12 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, सॉरी 16 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। 9 क्या होगा आपका, रेड और राउंडेड होगा, ठीक है। 3 क्या होगा, ग्रीन और राउंडेड होगा। 3 होगा आपका जो है येलो और रिंकल्ड, और 1 होगा आपका ग्रीन और रिंकल्ड, मतलब सारे कैरेक्टर जो जिसके साथ आएगा वैसा ही वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ये डायग्राम मियोसिस में आप देख रहे हैं, ये आपने कैरेक्टर लिया, सेग्रीगेशन हुआ, अब ये इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, अशॉर्ट कर जाएंगे और उसी तरीके से कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। तो ये जीनोटिपिक मतलब जो इसका बाहरी रेशियो आप देख पा रहे हैं, तो 9 तो आपको राउंड येलो मिल रहे हैं, 3 आपको राउंड ग्रीन मिल रहे हैं, 3 आपको रिंकल्ड येलो मिल रहे हैं, 1 आपको रिंकल्ड ग्रीन मिल रहा है। लेकिन अगर इसको इसके फीनोटिपिक रेशियो की हम बात करें, सॉरी जीनोटिपिक रेशियो की, तो वो आपका होता 1:2:2
4:1:1:2:1:2 यही बस आपको याद करना है। इसके आगे ट्राई हाइब्रिड ट्राई आपका आगे कई सारा क्रॉस होता है लेकिन आपको इसी को याद रखना है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का पर्पज क्या है, स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर ट्रेट साइमल्टेनियसली, मतलब दो कैरेक्टर आप लेके, अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने एक कैरेक्टर लिया था बस, टॉल को ड्वार्फ के साथ, रेड को येलो के साथ, पर्पल को व्हाइट के साथ, यहाँ पे आप दो कैरेक्टर ले रहे हैं, टॉल तो है ही प्लस व्हाइट कलर, ठीक है, ड्वार्फ तो है ही प्लस रेड कलर, दो कैरेक्टर ले रहे हैं, फिर भी वो अलग अलग ही कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली ही और शॉर्ट हो रहे हैं। मान लीजिए अगर आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ आ रहा है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो कर रहा है, डोमिनेंट मतलब अगर वाई डोमिनेंट को, कैपिटल वाई हमेशा डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल आर हमेशा डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो कर रहा, मतलब राउंड है, राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो डोमिनेंट कैरेक्टर, तो ये डोमिनेंट को ही शो कर रहा है, ठीक। यहाँ पे एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट को शो कर रहा है। यहाँ पे दोनों कैरेक्टर क्या है, रेसेसिव है, तो यहाँ पे ये रेसेसिव आपको मिल रहा है, ठीक। कैरेक्टर हमेशा इंड, कभी भी ऐसा हो रहा है कि भले इसमें एक कैरेक्टर कैपिटल वाई का है दूसरा बड़ा आर है तो दोनों को मिक्स कर दे, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, जो कैरेक्टर है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको मैंने बताया था कि हेट्रोजाइगस हमेशा क्या करेंगे, अगर कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है तो एक कैरेक्टर तो ये डोमिनेंट का ही शो करेगा, ठीक। जैसे यहाँ पे येलो कलर डोमिनेंट है तो येलो डोमिनेंट को ही शो कर रहा है भले इसके बाकी सारे कैरेक्टर रेसेसिव है, तो कलर तो इसको येलो ही मिला क्योंकि कैपिटल वाई है, बाकी सारे कैरेक्टर इसका रिंकल्ड का शो कर रहा है स्मॉल और स्मॉल, तो ये रिंकल्ड है लेकिन कलर तो येलो ही शो कर रहा है। तो होपफुली आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस समझ में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, जैसे सीड का कलर और सीड का शेप ले लिया है, पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस कराया गया येलो राउंड का येलो राउंड के साथ, मतलब पहले तो आपने क्या किया F1 जनरेशन में, पेरेंटल जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल में आपने क्या किया डोमिनेंट येलो और राउंड को ले लिया, सेकंड फीलियल जनरेशन कराया तो आपको ये कैरेक्टर मिले, 9 येलो राउंड, 3 येलो रिंकल्ड, 3 ग्रीन राउंड और ये, और इसका फिनोटिपिक रेशियो। तो होपफुली आपको मेंडल का जो है पूरा नियम क्या है, पूरा रूल क्या है समझ में आ गया होगा, और क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या होती है तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू एवरीवन।